सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेनसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे कुछ ऐसे स्टॉक्स मेंशन करे जाएं जो किसी ना किसी वजह से आज के सेशन में शायद हरकत में रहे, इनके रीजंस के साथ, पर उन पे ट्रेड के समीकरण बैठ कैसे रहे या आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर जान पाएगा, उनसे कंसल्ट जरूर करें। लेकिन हमेशा हम लोग बातचीत करने से पहले जरा सा मूड माहौल कैप्चर करके बताते हैं कि मूड माहौल है कैसा। गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है कि एक बार फिर से भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुलेंगे। गांधीनगर से संकेत हैं 90 से 100 पॉइंट के उछाल के, और धीरे धीरे इंचअप कर रहे हैं। जब हमने इससे पिछला शो मॉर्निंग कॉल शुरू करा था 7 बजे के आसपास, तेजी थी पर इससे थोड़ी सी सदी हुई थी, धीरे धीरे इंचअप हो रहा है। शायद उसके पीछे वजह है अच्छे एशियन मार्केट्स। वो सब दिखाता हूं आपको, लाइए पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब दिखाइए। उस पिच को देखते हुए समझा देता हूं आज की तस्वीर, आज का मूड, आज का ग्राउंड है कैसा जिस पर आज के भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे। ये देखिए, अब आपके सामने ले चलता हूं आपको एकदम पिच के समीप। ये हमारा जूम कैमरा जो आपको दिखा रहा है, पिच एकदम सख्त है, क्राउड एकदम भरा हुआ है, बारिश हो रही है उसके बावजूद देखिए क्या क्राउड है। पर बारिश से पिच इंपैक्ट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अपन लोग टाइम पे ना एकदम वो क्या कहते हैं वो कवर्स लगा देते हैं। गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। साथ साथ प्लीज इस समय दिखाइएगा एशियन मार्केट्स का मूड। सारा एशिया, एक आध एबरेशन छोड़ दीजिए हैंगसेंग वगैरह, तो अदरवाइज सारे एशिया में बहुत अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत जब मंडे को हुई थी तो भी बहुत अच्छे मूव्स थे एशिया में, और आज फिर अच्छे मोमेंटम है। आधे से 1% के बीच में ज्यादातर एशियाई मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, चाइना के मार्केट्स को छोड़ देते हैं उसके अलावा। और यूएस से भी जो ओवरनाइट संकेत मिले वो अब यूएस में हो क्या रहा है, रिकॉर्ड सिस्टम सर, वो भी मार्केट्स आए दिन जड़े चले जा रहे हैं। नॉट डाउ वो S&P और NASDAQ, कल भी वो पॉकेट्स इंच अप कर रही थी। कल यूएस के तीनों बेंचमार्क फ्लैट से 1/4% तक उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे, और उछाल के बीच में नए रिकॉर्ड्स वो भी बनाते हुए नजर आए कल। हाँ, अभी पैसा जो चैनलाइज हो रहा है यूएस में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI रिलेटेड स्टॉक्स, और इस समय तो खैर NVIDIA रेडार पे है अपने मोमेंटम को, और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को फिर डिस्प्लेस करके NVIDIA बन गई कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये समीकरण बदले। पर हो दरअसल ये रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, इन्वेस्टर्स इस ट्रेन को जब तक राइड कर सकते हैं राइड कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहां भी सिमिलर तस्वीर है, हम भी डे ऑन डे इंच अप कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ रहे हैं, और आज भी शायद गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दिखा रहा है उसको देखते हुए लग रहा है फिर से नए रिकॉर्ड बनेंगे, फिर से नया रिकॉर्ड आज के ट्रेडिंग सेशन में हम जड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो मोमेंटम, वो रिकॉर्ड रन होपफुली टचवुड कंटिन्यू होती हुई आज भी नजर आएगी। ऐसे में मैं और यतिन जो स्टॉक्स मेंशन करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं, समझ में नहीं आ रहा था इसको लूं उसको लूं, इसको हटाऊं उसको हटाऊं, पता नहीं जो चुना है वो सही चुना है कि नहीं चुना, जो छोड़ दिया वो गलती तो नहीं हो गई, इसका भी कंफ्यूजन है मुझे तो, इतने सारे इंटरेस्टिंग न्यूज पैग्स हैं। पर छूटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे 20 बता दूंगा तो हम लोग जब मुनाफे की तैयारी में उतरेंगे तो बचे हुए सारे मेंशन हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में, तो छूटेगा कुछ नहीं, आपको बस तैयारी रखनी है अपनी। पहला मैं शुरू करूं क्या? बिल्कुल शुरू करना चाहिए। ठीक है, सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स, जिसे कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से भी जानते हैं, कंपनी का नाम तो ये है सोना कॉमस्टार, इनकी ब्रांड है। कल अपडेट आया, वैसे ऑटो एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के इन्वेस्टर डे के बाद उसको लेकर अपग्रेड्स, कल सुबह एक्सपर्ट्स टेक्निकली आयशर मोटर्स को लेकर खासे बुलिश, ह्यूंडई के IPO को देखते हुए मारुति सुजुकी रडार पे, या फिर पूरा ऑटो स्पेस रडार पे मेगा IPO आने की तैयारी। अगर वो साइज वाइज सही मेंशन हो रहा है और RHP फाइल करते करते भी वही रहा तो इस देश का सबसे बड़ा IPO होने वाला है ह्यूंडई का। तो सारा ऑटो फोकस में, अपन ऑटो पे नहीं फोकस कर रहे, अपन इस समय ऑटो एंसिलरी पे चल रहे हैं, और सोना BLW इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कल शाम को इनका अपडेट आया कि इनको सर्टिफिकेशन मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से इनके एक और प्रोडक्ट के लिए, PLI के अंतर्गत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स के लिए। अब इसका मतलब आसान शब्दों में ये अब बेनिफिट्स को, इंसेंटिव्स को PLI स्कीम के अंतर्गत अवेल कर सकते हैं इस कंपोनेंट के लिए। अच्छी खबर है, हरा रखा है स्टॉक को, शुरुआत एक हरे स्टॉक के साथ जो ऑलमोस्ट इसका स्पेस ही बढ़िया चल रहा है तो अपन को लगा कि ग्रीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहेवियर देखिएगा स्टॉक का कैसा है लेकिन दिन के दौरान।
टाटा टेक्नोलॉजीज एक डिसअपॉइंटमेंट है पूरे शायर के लिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आईपीओ नहीं था, आईपीओ तो गजब भरा था, गजब लिस्टिंग हुई थी, डबल होके लिस्ट हुआ था, जब से लिस्ट हुआ है तब से ठंडा पड़ा हुआ है, जहां से लिस्ट हुआ था मेरे ख्याल 1400 ऑड लेवल्स के आसपास, उसके बाद से सल्ख कर रहा है ये स्टॉक। खबर अच्छी है, ग्रीन लेके चलता हूं, और इसीलिए भी क्योंकि देश दुनिया में, देश में तो नहीं हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा है, आईटी, एआई, न्यू एज ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक ठंडे पड़े, एटलीस्ट यूएस की तस्वीर तो क्लियरली ये दिखा रही है। खैर टाटा टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं, टाटा टेक्नोलॉजी ने कल शाम को अपडेट दिया कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए दिन अच्छा नहीं है आज, एनवीडिया ने पछाड़ दिया उसको बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट और टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इनका, ये मिलकर जेनरेटिव एआई पर फोकस करेंगे, तो अच्छा है, टाटा टेक्नोलॉजीज को मेंशन कर देता हूँ। हालांकि ये कोलैबोरेशन ना बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा मेरे को लगता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह पे, हैकलाथॉन वगैरह पे, उस पर ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक इम्पैक्टिंग नहीं है, पर थका हुआ स्टॉक है, अपन ने ग्रीन कर दिया मूड मॉल को देखते हुए। एक फर्टिलाइजर स्टॉक रखा है, अब इसमें भी कौन सा पिक करूं, कौन सा चूज करूं, इलॉजिकल सा था एक्सरसाइज, सब पेट्रोलियम का एक जीरो इन कर दिया जीएसएफसी पे, कोई रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं जीएसएफसी पे क्यों जा रहा हूं, क्यों किसी आरसीएफ, क्यों एनएफएल या फला वाला पे नहीं जा रहा हूं, तो एक रख देता हूं, बाकी आप चाहें तो पूरा सेक्टर रडार पर रहेगा। दरअसल अब से कुछ देर बाद अपन रिक्वेस्ट करेंगे, दिल्ली से हमारे रिपोर्टर आलोक जुड़ेंगे, आलोक ने कल शाम को एक रिपोर्ट फाइल करी है कि जीएसटी काउंसिल की 22 जून को, यार 19 तो है ही है, 22 जून मतलब इस वीकेंड की बात हो रही है, 22 जून हाँ सैटरडे की, सैटरडे को बैठक होने वाली है इसकी फिटमेंट्स कमेटी की, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो चर्चा होने वाली है, जिसमें एक अपडेट आ रहा है कि फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी जीरो करने की शायद तैयारी, 5% है मेरे ख्याल से इस समय, 0% जीएसटी कर दिया जाएगा, ये सब वो फार्म इंसेंटिव्स और वो सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हर अनाउंसमेंट उसी तरफ बढ़ रहा है, 20,000 करोड़ रुपए का डोल आउट होना, खबरें बीच में, अभी बीच में क्या कल से चल रही है कि एमएसपीज बढ़ेंगे, वैसे एमएसपीज बढ़ेंगे, अगर आपको किसानों तक रिलीफ पहुंचानी है या कुछ पहुंचाना है, खुशियां पहुंचानी है, तो सबसे ईजी और स्ट्रेट वे एमएसपी बढ़ा दो, तो अटकलें उस तरफ भी बढ़ रही। खैर वो सब अपनी जगह, ये फर्टिलाइजर का अपडेट और आता हुआ आलोक के थ्रू, तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया है, इसका लंबा चार्ट उठाइएगा साल भर का, साल भर का, तो ये थोड़ा सा थका हुआ स्टॉक है, ऑफ हाई स्टेट कर रहा है, बाकी सब फटे हुए थे तो इसलिए चूज कर रहा था, और कोई रीजन नहीं, ये देखिए थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ, अपने तीन हो गए भाई साहब, बिल्कुल तीन हो गए आपके, और तीन हम भी बता देते हैं, और आज आशीष ब्लॉक डीलों की जो है ना दिवाली है, कल भी मेरे को ये पता है, कन्वेंशनली अगर आप लॉजिकली देखो तो ये इतना कि लास्ट रेट प्रमोटर्स का माल छोड़ना, पी का माल छोड़ना कंसर्निंग होता है, लेकिन ये बार बार हो रहा है, उसके बाद फिर चल रहा है, चल रहा है, और मजे की बात ये है कि आज दो ब्लॉक डील्स होने वाली हैं, एक इंडस टावर, एक ZF स्टीयरिंग, एक सनसेरा टेक्नोलॉजीज, तो बहुत सारी ब्लॉक डील्स, वो ग्लैंड फार्मा, तो चार ब्लॉक डील्स हैं आज, और दो कंपनीज इंडस टावर और ZF स्टीयरिंग, इसमें प्रमोटर्स ने डील साइज अप कर दिए, ये मुझे देखने नहीं मिला बहुत टाइम के बाद, के जो ग्रीन शू ऑप्शन होता है वो पूरा गया और उसके बावजूद एक हाइक कर दिए, तो अब बहती गंगा में हाथ धो निकाल लो, तो जो 20-21% वोडाफोन पीएलसी के उसमें से 18 तो आज ही बिक जाएगा, ऐसा कल तक अपडेट था 10% बिकेगा, हाँ 10% आप बोल रहे हैं कि 10 की जगह 18 बेचेंगे, 18 बेचेंगे, और वोडाफोन पीएलसी मतलब ये यूके वाले हां यूके वाले वोडाफोन आईडिया में डाले नहीं डाले, ओके बिल्कुल, यहाँ जो भी वोडाफोन आइडिया है, जो भी उसके शेयर होल्डर है, जीवित या अजीवित, उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कोइंसिडेंटल है ये जो आता है ना, एक उम्मीद जाग जाएगी कि किसी बिल्डर ने डाला है, बिल्कुल, तो ये भी जब भुनाएंगे पैसा तो पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दीजिए, आप तो फोकस करिए जो स्टॉक पे, इंडस टावर, बिल्कुल, तो ये इंडस टावर अभी ब्लूमबर्ग के वाले से खबर आ रही है कि डील साइज अप कर दी, 18 की 10 की बदली अब 18% स्टेक बिकेगा, और ऑब्वियसली जो डील प्राइस है 310 से लेकर 341, मुझे लगता है डील लोअर साइड पे होगी, लेकिन वहाँ से बाउंस होना चाहिए, तो इसीलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ कि जहाँ जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उससे एक बाउंस एक्सपेक्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ओवरहैंग था बहुत दिनों से, तो शायद खबर थी कि अगर वोडा बेचेगा तो भारती खरीदने को खड़ा हुआ है, तो अब इस बार ये तो खुले बाजार में हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो भारती ने ये कहा है इन्वेस्टर्स को कि कैपिटल एलोकेशन का ख्याल रखा जाएगा, नंबर वन,
और नंबर टू के 51% तक उनको कंफर्ट है इंडस टावर में जाने के लिए, तो ये देखना ये होगा कि 51 तक जाते हैं कि नहीं आते, क्या इस डील में भारत आता है नहीं आता, पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं जरूर, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ग्लैंड फार्मा भी यहाँ अगर हम देखें तो फोसून अपना 5% हिस्सा बेचने वाली है, 1750 रुपये का फ्लोर प्राइस है, तो यहाँ भी इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि फ्लोर प्राइस से यहाँ भी बाउंस लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये लाल निशान में ही खुलेंगे, नीचे ही खुलेंगे क्योंकि डिस्काउंट है ब्लॉक डील्स में, लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उससे बाउंस हो सकता है ऐसा बाजार की उम्मीद है, इसके लिए ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो बट ख्याल रखिए इसको आपको ओपनिंग में नहीं खरीदना है, दोनों ही इंडस टावर और ग्लैंड फार्मा को, एक बार ब्लॉक डील हो जाए अगर समझो 325 रुपये में इंडस टावर में होती है और ग्लैंड फार्मा 1750 में होती है, तो वो प्राइस पॉइंट से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, इसलिए दोनों स्टॉक्स को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और भारत फोर्ज, इन्होंने लगभग $40 मिलियन यानी लगभग 340 करोड़ रुपए भारत फोर्ज अमेरिका में निवेश करने की योजना बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ का एक्सपोर्ट बिजनेस है और कंपनी ने ये भी कहा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, तो उसके तर्ज पे भारत फोर्ज ग्रीन पे लेके चल रहा हूँ और केपेक्स काफ़ी बढ़िया रहेगा US मार्केट्स के लिए। आशीष तीन हो गए। अच्छा, जो लास्ट रेट्स की बात कर रहे थे एक आध अपन ने भी लपक लिया, लाते ही हैं लपक अपन लेते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग, इसको मैंने तो लाल रखा है, बिल्कुल सही है, पता नहीं मुझे किस तरह का डिमांड आती है, क्या होगा, कौन से विंडो पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पर इसमें कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं क्लाइंट बीन और CVCIGP2 एम्प्लॉई बीन, मतलब बेसिकली ये लोग माल छोड़ रहे हैं, 11.66% कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का माल बिकने आ रहा है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स बिकेंगे। लाल रखा है, देखते हैं अब डिमांड कैसी आती है इसको लेकर। सनसेरा का जरा सा 1 महीने का या 3 महीने का चार्ट उठा के दिखाइएगा, है क्या 3 महीने का चार्ट उठाएंगे क्या, तो उससे समझ में आएगा। इससे पहले बहुत बढ़िया तेज़ी बुनाई हुई है स्टॉक में, अब शायद देखते हैं आज दबाव वबाव में आया कि नहीं आया, ये देखिए ये डील से पहले की कहानी है, कितना हाथों हाथ लेने के लिए इन्वेस्टर खड़े हैं सामने देखना पड़ेगा। मैं लाल लेके चलता हूँ, लॉजिकली लाल होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, कल अपन ने बजट रिलेटेड बातचीत करी थी, रेलवे से रिलेटेड, कि सेफ्टी पे थ्रस्ट होगा, फोकस होगा, कवच रिलेटेड, तो वो स्टॉक्स पूरी थीम ब्यूटीफुली वर्क करी। आज अपन उतरे MSMEs के थ्रस्ट को लेकर, क्योंकि रूरल तो बातचीत चली रही है, कल वो MSPs वगैरह की खबरें तो उड़ी रही थी। सिटी यूनियन बैंक पहला, क्योंकि MSMEs में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बैंक्स में इसी का है, तो अगर MSMEs के लिए वाकई सरकार कुछ करने की तैयारी कर रही है तो ये स्टॉक के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, और वो कल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कल सिटी यूनियन बैंक 4% मजबूत खड़ा हुआ था। कहा जा रहा है भाई, अच्छा याद रखिएगा, यूनियन बजट जो पिछला आया था 2023-24 में, उसमें 22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा MSME मिनिस्ट्री को एलोकेट करे गए थे, ये साल दर साल यानी कि बजट ऑन बजट 41-42% का जंप था, ये थ्रस आज की कहानी नहीं है, थ्रस बढ़ा ही चले जा रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के फर्स्ट बजट में पूरी तरह से जॉब क्रिएशन पे फोकस होगा, तो उसमें MSMEs को थ्रस्ट देने की तैयारी, और शायद जो करंट PLI स्कीम है उसको एक्सपैंड करके ये कोशिश हो रही होगी। ये अजम्पशंस हैं पर लॉजिक लग रहा है, सही बात है, ऐसे ही हो सकता है, तो रखिए स्टॉक को रडार पे। MSMEs को अगर थ्रस्ट मिलना है तो सिटी यूनियन बैंक जैसे काउंटर, ऐसे ही MSMEs में एक NBFC है यूग्रो कैपिटल, जिसको रडार पर रखना चाहिए, ये ऑफाइस ट्रेड कर रही है, 320 का हाई था, 270 के आसपास शायद खड़ी हुई है ये कंपनी, दरअसल डेटा टेक NBFC है फोकस, पूरी तरह से NBFC लेंडिंग पे फोकस करती है। कल ही शायद इस कंपनी के बोर्ड ने तगड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है, पहले कैपिटल रेस प्रोग्राम था कि 1,333 करोड़ पे कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर से जुटाएंगे और 1,058 करोड़ पे कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू जुटाए जाएंगे, और ये दोनों पैसे क्योंकि कंपल्सरी कन्वर्टेबल्स हैं तो कन्वर्शन का प्राइस भी 264 करंट भाव के आसपास रखा गया था। कल अपडेट आया है कि सब्सक्रिप्शन मनी एलिजिबल अलॉटी से रिसीव भी कर लिया इस कंपनी ने, तो बढ़िया ग्रोथ कैपिटल शायद लाता हुआ एक ये कंपनी एंटिटी, इसको भी MSME थ्रस्ट अगर मिलना है तो ये ब्यूटिफुली प्लेस्ड है, तो एक सिटी यूनियन बैंक, दूसरा यूग्रो कैपिटल, ये दोनों रडार पे। मेरे ख्याल से बातचीत करते थे 6 हो गए, हाँ 6 हो गए, 6 हो गए, 7 तो नहीं हो गए ना, मेरे ख्याल से 6 काउंट करता हूँ अभी, लेकिन 6 मान के चलता है। तो चलिए ब्लॉक डील से आते हैं अब फंड रेजिंग पे,
और बहुत सारे QIPs और फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग्स हैं। सबसे पहले क्राफ्टमैन्स ऑटोमेशन, इन्होंने QIP खोल दिया है 4426 रुपए में, यानी मार्केट प्राइस से 3-4% डिस्काउंट पे ये फ्लोर प्राइस सेट किया गया है और लगभग 1200 करोड़ रुपए ये जुटाने की योजना बना रहे हैं QIP के जरिए। बड़ा QIP है, इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। डिमांड फीडबैक के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से ठीक ठाक है। इसके अलावा मिसेज बेक्टर्स फूड, ये अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग है जून 21 को फंड रेजिंग के लिए, तो यहाँ बैठक होगी और फंड रेजिंग के ऑप्शंस यहाँ भी चुनेगी कंपनी। इसके अलावा मैराथन नेक्स्ट जेन रियल इस्टेट, यहाँ भी 21 जून को बोर्ड मीटिंग है जहाँ वो एनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करेंगे रेजिंग ऑफ फंड्स के लिए। रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है और बेक्टर्स फूड हमने देखा भी IPO के बाद बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है, तो ये दोनों स्टॉक्स बोर्ड मीटिंग के चलते ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो ये 6 स्टॉक्स मेरी तरफ से भी हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बचे हुए 4-4 स्टॉक्स पे होगी चर्चा। आशीष के कंप्लीट हो चुके हैं, अब 4-4 स्टॉक्स पे नजर कर लेते हैं। सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर, और जैसे कि थोड़े टाइम पहले ही आशीष कह रहे थे कि फिटमेंट कमेटी की मीटिंग है, GST रिडक्शन हो सकता है फर्टिलाइजर पे। अभी GST ज़्यादा लगती है और उसको घटा के 5% करने का प्रस्ताव है। जरूरी नहीं है प्रस्ताव क्लियर हो जाए, प्रपोजल है, इवेल्युएट होगा और अगर फिजिबल होगा तो यहाँ काम हो सकता है। दीपक फर्टिलाइजर ये एक स्टॉक जो है ग्रीन में लेके चल रहा हूँ फर्टिलाइजर पैक में से। तबियत नासाज लग रही है। हाँ, मुझे बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, चार दिन का, फिर भी आया हूँ ये टीम के लिए ऑफिस आते हैं। अच्छा, हर्षिता का बर्थडे भी है ना, मैंने बोला सेलिब्रेट भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टॉक जो है वो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा प्रोटीन, और ये भी एक शानदार कंपनी है, बहुत सारी ब्लॉक डील्स आपने देखी थी इसमें होते हुए थोड़े दिनों पहले। येस्टरडे बल्ड डील्स में आशीष, यहाँ 3 लाख शेयर्स इक्विटी इंटेलिजेंस PMS ने खरीदे 1200 रुपये प्रति शेयर में। ये वो पुरिंजी वेलियात का PMS फंड है जिसने खरीदा है। आज देखते हैं कैसी एक्टिविटी रहेगी, अभी तो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। एक जमाना था जब पुरिंजू लेते थे तो फट जाता था, शेयर चलते थे। मैंने भी देखा था, फिर मैं भी कंफ्यूज, मैंने कहा अगर 10 नहीं होंगे तब डाल लूंगा, पर इतने में आपने डाली थी, मैंने चलो अब छोड़ो, दिमाग लाई जरूरत थी। तो पर ये पिटा हुआ स्टॉक है। हाँ, ये करेक्टेड स्टॉक है, ऊपर से करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन हाँ यहाँ काफी सारा फंड एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फंड एक्शन था इजी गो में, यस्टरडे लिस्टिंग हुई आशीष, बहुत ही शानदार लिस्टिंग, सर्किट लग गया शेयर को आखिर में। और अगर हम बायर्स की बात करें तो नोमुरा फंड ने यहाँ 67 लाख शेयर्स खरीदे 159 के एवरेज प्राइस पे, और स्टॉक 165 रुपीज के ऊपर बंद होता हुआ नजर पड़ा। ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, शायद आज भी मोमेंटम यहाँ कंटिन्यूड रहे। और जो आखिरी स्टॉक है मेरा, 10वां स्टॉक है, वो है KPIL यानी कल्पतरु पावर इंडिया लिमिटेड, जहाँ प्रमोटर्स ने लगभग 87 लाख शेयर्स बेचे और सामने अमुंडी फंड ने 9 लाख शेयर्स खरीदे 1150 रुपये के आसपास। ऑब्वियसली ये ब्लॉक डील इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स का लेवरेज था और ये लेवरेज को ख़त्म करने के लिए, प्लेज शेयर घटाने के लिए सूत्रों के हिसाब से ये ब्लॉक डील को अंजाम दिया गया। और अच्छी बात है, प्रमोटर्स का लेवरेज कम होगा ग्रुप लेवल पे, कंपनी को भी फ़ायदा होता है वो नज़र पड़ेगा क्योंकि बाकी फंड्स ने यहाँ खरीदा है शेयर। तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, शायद आज ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है। तो ये हो गया आशीष 10 स्टॉक्स हमारे। ओके, एक प्रमोटर की सेलिंग की आपने बात करी थी, पर उन्होंने शायद किसी अपने स्पेसिफिक रीजन से करे हो, बाकियों का पता नहीं मुझे, तो मैं लाल में ले जा रहा हूँ। बहुत प्रमोटर की सेलिंग, DCX सिस्टम्स लाल में रख रहा हूँ। इसका पहले तो ज़रा चार्ट खोलिएगा, 6 महीने टाइप्स, कोई लंबा चार्ट खोल दीजिए, तो एक तरफा मुझे 3 महीने का खोल दीजिए, जो मन कर रहा है। DCX सिस्टम्स में कल प्रमोटर एंटिटी राघवेंद्र राव ने 7.5 लाख शेयर्स इस तेज़ी को बुनाते हुए बेच दिए। हो सकता है बायर कोई तगड़ा हो, मुझे नहीं पता, वो नहीं आया डिटेल्स में। अपन सिर्फ एक तरफा जो अपने को अपडेट पता है कि प्रमोटर्स ने माल छोड़ा अच्छी तेज़ी के बाद, लाल रखते हैं इसको। ये देखिए क्या मूव्स बने। ऐसे ही एक काम करिए, चार्ट उठाइए NCL इंडस्ट्रीज का, वो सीमेंट कंपनी साउथ इंडिया की। वैसे आमतौर पर मैं मेंशन करता था कि प्रमोटर्स की निबलिंग, वो छोटी छोटी निबलिंग चलती रहती थी, 2000 शेयर 5000 शेयर्स, ऐसा लगता जब भी पैसा आया खरीद लेते थे। कल सेलिंग आई, बहुत बढ़िया एक तरफा मूव बना पिछले कुछ दिनों में NCL इंडस्ट्रीज में।
प्रमोटर नरसिम्हा राजू ने 2.5 लाख शेयर्स कल इसके बेच दिए 240 रुपए के भाव पे, जहां पे ये कल क्लोज हुआ है। इसको भी मैंने लाल रखा। एक प्रमोटर सेलिंग को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, जो पिटा हुआ स्टॉक है और शायद पता है कि प्रमोटर्स पार्शियली रह के एग्जिट कर रहे हैं। स्पंदना स्फूर्ति, अब इसमें प्रमोटर पद्मजा ने, पद्मजा गंजी रेड्डी शायद, 14 लाख शेयर्स बेच दिए कल। खरीदने वालों में गोल्डमैन सैक्स का नाम सामने आया है, 10-10.5 लाख शेयर्स गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाइंग होती हुई, इसे ग्रीन रखा है। बाकी दोनों प्रमोटर सेलिंग्स को मैं लाल लेके चल रहा हूं। और फाइनली ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, जो यतिन बोल रहे थे, एक और लास्ट ट्रेड, एक सनसेरा था मेरे पास, एक ये है। इसमें अपडेट्स हैं कि वैपको एशिया 5% इक्विटी का आज बेचने की तैयारी कर रहा है, 14,980 की फ्लोर प्राइस, यानी कि करंट भाव से हो सकता है 13-13.5% तक के डिस्काउंट पे सौदे होते हुए नजर आए और अच्छा खासा मीनिंगफुल 1400-1450 करोड़ रुपए की सेलिंग आनी है। पर ये इलिक्विड स्टॉक है, अगर तो इंस्टीट्यूशंस को पसंद है तो हाथों हाथ लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज इंस्टीट्यूशंस में खरीदारी नहीं कर सकते अगर इस तरह का कोई मीठी चंक बिकने ना आए। अपन वॉचआउट करेंगे, अभी लाल लेके चलते हैं, विंडो पे कहां हो रहा है उससे क्लैरिटी आ जाएगी, पर लाल है शुरुआत में। तो ये हो गए आज के 10 ट्रेड्स मेरे, 10 ट्रेड्स नहीं, 10 आइडियाज मेरी तरफ से। यतिन और मैंने दोनों ने बता दिया, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और चलिए आज के जो सीधा सौदा के 10 स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे उनका एक रैप अप दे देता हूं। सोना BLW, जहां पे PLI स्कीम के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट मिला, अप्रूवल मिल गया औपचारिक तौर पे। टाटा टेक्नोलॉजीज ने कोलैबोरेशन करा है, पर बिजनेस इंपैक्टिंग कोलैबोरेशन नहीं है, फिर भी पिटा हुआ स्टॉक रडार पे रखते हैं। GSFC आवास की एक्सक्लूसिव शायद फिटमेंट कमेटी GST की जो बैठने वाली इस फ्राइडे सैटरडे को, फर्टिलाइजर की दरें रिड्यूस करके जीरो करने की हो सकता है तैयारी, उस पर चर्चा। सनसेरा इंजीनियरिंग में आज लास्ट ट्रेड होगा इसलिए लाल रखा है। सिटी यूनियन बैंक, यूग्रो कैपिटल, MSME थ्रस्ट के चलते, और यूग्रो की तो फंड रेजिंग भी हुई है। DCX सिस्टम, NCL इंडस्ट्रीज, लार्ज ट्रेड में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा। स्पंदना स्फूर्ति में भी प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, पर एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन करता हुआ, इसीलिए ग्रीन करा। और ऐसी ZF कमर्शियल व्हीकल्स में भी आज एक लार्ज ट्रेड होना है और अच्छे खासे शायद मीनिंगफुल डिस्काउंट, पर ये लिक्विड स्टॉक है, पता नहीं किस तरह की एपेटाइट सामने आ जाए, तो वॉच आउट करिएगा। पर ये वो 10 स्टॉक्स जो रडार पे रखने। बहुत बढ़िया, आशीष की टीम दिखाई पड़ रही है। और मेरे स्टॉक्स पर नजर कर लेते हैं, बहुत सारी ब्लॉक डील्स हैं, तो इंडस टावर, ग्लैंड फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स में ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ेगी। ग्रीन इसके लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि शायद जो ट्रांजैक्शन प्राइस हो उससे शायद स्टॉक में एक बाउंस अच्छा आ जाए इंट्राडे में, तो इसीलिए ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। भारत फोर्ज US सब्सिडरी में एक बढ़िया निवेश करने जा रहे हैं। क्राफ्ट्समैन इंजीनियरिंग, बेक्टर फूड्स, मैराथन नेक्स्ट जेन, फंड रेजिंग अनाउंसमेंट्स और बोर्ड बैठक के चलते ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात करें तो एक बड़ा 1200 करोड़ का QIP इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर्स, और यहाँ न्यूज़ का इम्पैक्ट आ सकता है, फिटमेंट कमेटी GST फर्टिलाइजर्स पे घटा सकती है, इसके लिए स्टॉक फोकस में रह सकता है। प्रोटीन ईगव, यहाँ एक लार्ज ट्रेड होता हुआ नजर पड़ा जहाँ पुरंजी विलियात के फंड इक्विटी इंटेलिजेंस ने हिस्सा खरीदा है। इजी गो और KPIL, यहाँ भी आपको फंड एक्शन आता हुआ नजर पड़ा है जहाँ काफ़ी अच्छे FIIs ने खरीदारी की है, और ये दो स्टॉक्स भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ।